हेलो जी, राधे राधे। जो लोग मलाई से घी निकालते हैं, पहले मलाई से क्रीम निकालते हैं, तो क्रीम से घी निकालते हैं, तो उसमें निकलता है एक दूध जैसा भाग, उससे हम पनीर बना लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं और सभी के घरों में होता है। जो लोग नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो फुल वीडियो बताएंगे कि मलाई से कैसे क्रीम के समय दूध निकलता है और उससे पनीर बनता है। तो वही पनीर है। पनीर ये दरदरा कुछ भर भरा रहता है, इसमें लहसुन नहीं रहता है। तो इसका आप बना लेते हैं भुर्जी या पराठा, लेकिन आज बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चीज़ बनाएंगे। और जो लोग इस भर भरे पनीर से घबराते हैं, वह इनका फेवरेट डिश हो जाएगा। तो पहले पनीर को ले लिए, इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी, थोड़ा जीरा, काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन, और अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और प्याज और बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा। और इसमें 2 चम्मच डालेंगे बेसन। आप चाहें तो इसमें बारीक काट कर गाजर, शिमला मिर्चा या पत्ता गोभी जैसे सब्जियों को भी मिक्स कर सकते हैं। तो बस हम इतने ही चीज़ से बनाएंगे, इसी से बहुत ही मस्त हमारा नाश्ता बनेगा। तो इन सबको कर लेंगे मिक्स। इसमें हम बेसन डाले हैं बाइंडिंग के लिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के लिए हम हाथों से मिलाएंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर स्मूथ हो जाएंगे। तो ये लीजिए, आटा की तरह इनको हम गूंथ लिए हैं। तो इसी तरीके से यह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बाइंडिंग में हो जाते हैं। अब इससे हमें बनाना है गोल गोल टिक्कियों को। आप चाहें तो गोल गोल टिक्कियों को बनाकर बॉल की तरह फ्राई भी कर सकते हैं, या फ्लैट बना सकते हैं, या कटलेट की तरह लंबा भी बना सकते हैं। जिस तरीके से बनाना चाहें आराम से बनाएं। हम तो गोल गोल फ्लैट बना लेंगे, क्योंकि उनको सेल्फ फ्राई करेंगे तो ऐसे ही ठीक रहेगा। ये टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं, और इनको हम थोड़े से ऑयल में अच्छे से सेलो फ्राई करेंगे, जिससे यह दोनों तरफ बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाएंगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। बेसन और पनीर से आप तो पनीर पकौड़ा हमेशा बनाते ही होंगे। आप इस तरीके से टेस्टी टिक्की बनाइए, ये आपका फेवरेट टिक्की हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके के पनीर से बनाएं, चाहे फ्रेश पनीर से बनाएं, लेकिन ये टिक्की खाने में बहुत ही मस्त लगता है। तो जब तक ये नीचे से लाल नहीं होंगे, तब तक ये पैन को नहीं छोड़ेंगे। शुरू में ये चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इनको लाल कर लें। जब ये एक तरफ से लाल हो जाएंगे तो इनको हम पलट लेंगे। जब ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी लाल हो जाते हैं, तभी ये पलटते हैं। तो इसी तरीके से हम फटाफट पलट कर दूसरे तरफ भी लाल कर लेंगे, और ये दोनों तरफ से बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी या वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए और टेस्टी इजी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, शाम के नाश्ता पर यह हमारा पनीर का टिक्की बन के तैयार हो गया है। हम चाय के साथ तो एंजॉय करने जा रहे हैं। आप भी इस मस्त रेसिपी को, पनीर की टिक्की को बनाएं और खाएं, और कमेंट करके बताएं कि यह पनीर की टिक्की आपको भी पसंद आया कि नहीं, और यह बनाने में मज़ेदार है कि नहीं। तो चलिए, जाते हैं अपने चाय को भी फटाफट बना लेते हैं। राधे राधे। तो ये लीजिए, चलिए हम जाते जाते ये दिखा देते हैं कि पनीर की टिक्की बाहर से क्रिस्पी तो है, अंदर से कितना सॉफ्ट है। चलिए, इसको तो हम खाएंगे, आप बनाइए और फटाफट खाइए।